15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद की मदीना मस्जिद में झंडा फहराया गया और सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किए गए। देखें एक रिपोर्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इसके तले हम लोग यहाँ पे इसके तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आजाद तिरंगा जिंदाबाद तिरंगा जिंदाबाद तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाए आजाद तिरंगा जिंदाबाद तिरंगा जिंदाबाद रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है खुशहाली बतलाता है सुरख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है सुरख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है ऐसा जलवा दिखाता है इसकी सफेदी अमन के हक में आपकी मेहनत रंग यहाँ पे लाई है आजादी दिलाई है भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है जीत हमी ने पाई है भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से ऐसी धूल चटाई है जीत हमी ने पाई है जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद तहरीक हम है मुसलमान रूप वतन से दिल है ये आबाद तिरंगा जिंदाबाद तिरंगा जिंदाबाद अरे क्या है क्या अब तुझे अरे बेटा को पानी अरे बेटा तुम मैं पहले नहीं बोल दूंगा तुम्हें पानी मैं बोल लेते हैं बोलो क्यों मैं नाला पानी मुन्नू बेटो मुन्नू क्या है तो तन्ने भी सबने दिमाग कोई बात नहीं तब इतना कह दे तो चलना पड़ेगा तो आजो तो
दीनी तालीम दे देगा तो हमारा ये दिन देख लेना पड़ते। बेटा छोटे बेटे को मैंने इंजीनियर बनाया, किसी ने बनाया कि मेरा नाम रोशन करेगा। बेटा अगर मैं पढ़ाई लिखाई की जगह अगर मैं कर रहा है इंसानी भी और दे देता है इंग्लिश मीडियम तो मैंने खूब पढ़ा है। एक बेटे को मैंने गवाह छोड़ दिया जो मैं दोनों हूँ तालीम देता, तालीम के साथ साथ मैं दीनी इल्म भी दे देता और उसके साथ में मैं इन्हें इंसानियत सिखा देता। सबसे मैं हम अपने बच्चों को इंसानियत सिखाएंगे तो हमारी कदर करेंगे। जब हम अपने बच्चों को इंसानियत जय हिंद बोलो।
24 घंटे जो हमको मिली हुई जिसके हथियार उसकी तैयारी की तो हमको हमको मिला हुआ है, उसकी नियत से अमल करते रहे, हमारा मुल्क भी आबाद हो, हमारी नस्लें भी आबाद हो, और इस 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे प्रोग्राम से जो यादें ताजा कराई जाती है हमारे वाकाबरीन के, जिनके बारे में अभी एक छोटा सा बच्चा जो हमारे एक बहुत ही मुहर्रिक आलिम का साहबजादा उनके तरबियत में रहने वाला बच्चा है, उसने अपने अल्फाज में पेश किया, वो हम सबको हिला देने वाला है। और इससे पहले हमारी बच्चियां भी सामने आई हैं, दूसरे बच्चों ने भी अपने प्रोग्राम पेश किए हैं, एक नमूना हमारे सामने औलाद ने जो बातें रखी हैं, खुदा करे हमें इन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें आज़्म और हौसला नसीब फरमाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते प्रधान जी उनसे दरखास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार फरमाए। हिंदुस्तान के बच्चे के दिल में आगामी एक दिन का जुनून ऐसा ही होना चाहिए जैसा ईद बकरीद दिवाली का होता है, क्योंकि ये दिन हमें जो मिला है बहुत सी कुर्बानियों देने के बावजूद देने के बाद हमें नसीब हुआ है, इसकी खुशी हमेशा हिंदुस्तान के हर बच्चे के दिल में होनी चाहिए। और चंद लोग हिंदुस्तान के अंदर सोचते हैं या समझते हैं कि मुसलमान कोई दिन की खुशी नहीं होगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये तो हमारे दिलों से पूछे देखो कि हमें इस दिन की कितनी खुशी होगी। हर इंसान को अपनी आजादी का शुरू होना चाहिए हमेशा, और इसके लिए इजारे मोहब्बत इजारे लोगों की मोहब्बत की काम नहीं रहा करते रहना चाहिए। शुक्रिया साहब। जो हमारे इलाके के अहम जिम्मेदार हैं उनसे भी अदब के साथ दरखास्त है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खासतौर से मदीना मस्जिद के इमाम साहब और मदीना मस्जिद की कमेटी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतने खूबसूरत तरीके से इसको मनाया जा रहा है, जिन्होंने आजादी की तरफ मुबारकबाद पूरे देशवासियों को। लेकिन मैं बात हर मीटिंग में कहता हूँ और हर प्रोग्राम में कहता हूँ, आप लोग सब दानिशवर लोग हैं और सब जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, खुदा के वास्ते ये मेरी आपसे इम्तिहाना दरख्वास्त है कि मुसलमानों को खासतौर से तालीम की बहुत सारी जरूरत है। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, आप सब अपने बच्चों पे ध्यान दें, पड़ोस के बच्चों पे ध्यान दें। मुझे इस टाइम कलाम साहब का एक थॉट याद आ रहा है, द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तालीम। हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम की बहुत जरूरत है, तो हमें अपने बच्चों की तालीम पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पूरे देश का माहौल किसी भी से छुपा हुआ नहीं है, किसी भी शख्सियत से सबको पता है देश के हालात क्या है। और खासतौर पर हमारे मुस्तवाद के अंदर तालीम की बहुत कमी है, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से तालीम दे पाएंगे ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि जो बच्चा ऐसी चीज है मैं आपको बता दूं जो दुनिया में आपसे कोई नहीं सीख सकता। बढ़िया भाई, और दुकान कब खोले आपने भाई? पढ़ाई पूरी हो गई तो खोली। अच्छा, और ठीक ठाक उनके दुकान आपकी? हम यहाँ से निकल रहे तो अभी सोचे जो है आपसे मिलते हैं, जो है आपका ऐलान सुना था ना हमने, तो फिर जो है अभी हमने एक काम से जा रहे हैं, आने के बाद आपसे मिलेंगे। आज डॉक्टर को धक्के लाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अब मेरे सिर पर चढ़ेगा, पीछे को खड़ा हो। अब पीछे हो नहीं, यहाँ को क्या रहा है?
आ जाओ आगे देख लो, आराम से पड़े हो, पहले नजरें जहां होती है वहां रहनी चाहिए। साधे पीछे हो जाओ, बिल्कुल माशा अल्लाह।
आरजू नहीं है कोई, आरजू तो बस ये है। आरजू नहीं है कोई, आरजू तो बस ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन का पन। हम लोग मुसलमान है भारत के वफादार, हम रहे बर मंजिल है हमी बाप रसालार। हिंदुस्तान 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 हमारे हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कानों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कानों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको से प्यार है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पांव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। मेरा वादा है के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है के इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। बिटानू टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। शिशु जामिया के सारे बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। झंडे का वो निकालो, झंडे के पास आए वो बच्चे, आप हजरात भी खड़े हो जाएं झंडे के वक्त पर अपनी जगह पर। बिस्मिल्लाह। उज्जर जगत तिरंगा, सब शुभ रामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, जय है सबसे गाता, जन जन मन अधिकार, जय है भारत भाग्य विधाता।
हिंदुस्तान जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, आयद जमीयत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, आयद जमीयत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, मुजाहिदीन आज़ादी वतन, मुजाहिदीन आज़ादी वतन। एक मिनट खड़े रहेंगे, सही तुम्हारे प्रोग्राम भी साथ साथ हो जाएगा। आइए मौलाना मोहम्मद आदिल साहब। असली आजादी की तरफ हमें बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। असल आजादी को आखिरत के अतबार से जहन्नम से आजादी की।